Well, hello all the different aspirants to our channel, The Nation Needs You All About SSB. It's my sincere request to you all to please like, subscribe and share our channel to as many different aspirants as possible. And if in case if you have any doubts, suggestion, feedback or any topic on which you want me to make the video, please let me know through the comment section. So till then, Jai Hind and The Nation Needs You. Well, hello everyone and a very warm welcome to all of you to our channel, The Nation Needs You All About SSB. And today's topic for lecture, it is going to be Mangalyaan, that's Mars mission. Dekhi, as a citizen of this country and especially being the youth of this country, ye bahut zaruri ho jata hai ki apne desh se judi jo important achievements hain, jo important discoveries hain, jo important mission accomplishment hai, uska aapko janna, uske bare mein uski jankari rakhna behad zaruri hai. इसलिए नहीं कि ये अगर इस साल का है या आने वाले नेक्स्ट ईयर का ये टॉपिक बन सकता है या फ्यूचर का टॉपिक बन सकता है, इसके लिए नहीं कि टॉपिक बनेगा, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर आप यहाँ रह रहे हैं, आप सिटीजन हैं इंडिया के, तो क्या आपके देश ने कितने कीर्तिमान स्थापित किए हैं उनके बारे में जानिए. कई बच्चों को ये लगेगा कि यार मंगलयान इट्स अ वेरी ओल्ड टॉपिक, बट लेट मी टेल यू, इफ समथिंग हैज़ बीन अचीव्ड, इफ अ हिस्ट्री हैज़ बीन मेड, then that's not going to be the topic for today, tomorrow or any time. It's going to be the forever topic. ये topics हमेशा जिंदा रहेंगे और हमेशा हमें फक्र होना चाहिए एक इंडियन होने के नाते कि हमारे देश ने मार्स पे जाकर अपना परचम लहराया और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से. सो लेट्स स्टार्ट आर डिस्कशन अबाउट मंगलयान विच इज़ मार्स मिशन. अब लोगों को लगेगा कि मार्स पे चले गए. जी नहीं, मार्स के ऑर्बिट पे अपने स्पेसक्राफ्ट को स्थापित किया और इस तरीके से जो मंगलयान है वो मिशन जो है वो अकम्प्लिश हुआ. सो बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आर चैनल सो दैट अदर पीपल, द अदर सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री विल ऑल्सो गेट टू नो अबाउट द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ आर नेशन. सो द फर्स्ट थिंग इज 24 सितंबर 2014 वो तारीख थी जिस दिन इंडिया ने हिस्ट्री बना दी. इंडिया ने अपने स्पेसक्राफ्ट को मंगल ग्रह यानी कि जो मार्स है, मार्स प्लैनेट के अराउंड जो है स्थापित कर दिया. अब देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो बहुत जल्दी हिट करती हैं आपको. इस मिशन को नाम दिया गया था मॉम. मॉम इज मार्स ऑर्बिटर मिशन. ये पहला मिशन था एशिया से जो कि मार्स के लिए किया गया था और इसकी लागत जो इसका कॉस्ट था वो सिर्फ और सिर्फ 71 to 74 million dollars थी. आप सोचिए जो ग्रेविटी फिल्म है ये, बल्कि ये कंपैरिजन जो हमारे उस वक्त हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी ये कंपैरिजन किया कि जो ग्रेविटी फिल्म है हॉलीवुड की, उसको बनाने में 100 मिलियन डॉलर्स की लागत आई थी, लेकिन उससे भी सस्ता है हमारा मार्स का मिशन. सबसे कॉस्ट इफेक्टिव मिशन है ये मार्स का अभी तक. अगर आप बाकी जितने भी स्पेस एजेंसीज हैं उनके मार्स मिशन से अगर इसको कंपेयर करेंगे आप, तो आपको ताजुब होगा कि कुछ डॉलर्स का नहीं बल्कि कई गुना ये सस्ता है. और इसमें आपको ये चीज़ और समझनी होगी कि चंद्रयान वन की सक्सेस ने जो है वो हमारे साइंटिस्ट को एक बूस्ट दिया, एक कॉन्फिडेंस दिया कि वो मंगलयान जैसे मिशन को भी फ्रेम करें, उसके लिए काम करें और फिर उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी कर दें. और ये हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनके कंबाइंड इफेक्ट का ही नतीजा है कि आज हम पूरे प्राउड के साथ, पूरे एक तरीके के सेंस ऑफ अचीवमेंट के साथ ये कह सकते हैं कि हम उन देशों में शुमार हैं जिन्होंने मार्स के लिए अपने मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया. तो अब हमें समझना होगा कि ये मिशन था किस लिए, व्हाट वर इट्स ऑब्जेक्टिव, व्हाट वर द चैलेंजेस एंड हाउ डिड दे ओवरकम इट. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन द डिस्कशन. अब आप यहाँ पे देखिए, आपको पता चलेगा कि चंद्रयान वन जो 2008 में हुआ था उसने एक तरीके का स्टैंडर्ड सेट किया मार्स के लिए, और पब्लिक अनाउंसमेंट जो थी वो 23 नवंबर 2008 को ही कर दी गई थी. देखिए ये जो मिशंस होते हैं ना, चंद्रयान या मंगलयान, ये एक दो दिन में अकम्प्लिश नहीं किए जाते. इसमें एक टीम बैठती है, लोगों के आइडियाज़ बैठते हैं, उसके अलावा कई सारे जो लूप होल्स हैं उन पर काम किया जाता है. ये लंबा प्रोसेस होता है. तो 2008 में इसकी अनाउंसमेंट की थी जी माधवन नायर ने, जो उस वक्त हमारे इसरो के वो चेयरमैन थे, और उन्होंने ये अनाउंसमेंट करके देश को बताया कि देश तैयारी कर रहा है मंगलयान की, यानी मंगल ग्रह के आसपास अपने स्पेसक्राफ्ट को, उसके ऑर्बिट पे अपने स्पेसक्राफ्ट को स्टैब्लिश करने की. अब हमारे पास नेक्स्ट सवाल आता है कि इससे हमें क्या मिलेगा. वेल, इससे बहुत कुछ हमें पता चलेगा मार्स के बारे में, और अगर आपको थोड़ा वक्त मिले तो कभी आप स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में पढ़िएगा. ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में जो बड़े देश होंगे या जो एक तरीके से पावर सुप्रीमेसी की बात की जाएगी, वो स्पेस पे आपकी क्या, आपका क्या वजूद है और आप कितने ज़्यादा एक्सप्लोर कर चुके हैं, कितना ज़्यादा आप स्पेस को एक्सप्लोर कर चुके हैं,
इस बात पे पावर जो है उस वो डिसाइड होगी, जो सुप्रीमेसी होगी किसी भी देश की वो इसी बात पे डिसाइड होगी। तो मेन तो था कि डिजाइन किया जाए, डेवलप किया जाए एक इंटरप्लेनरी प्लेनेटरी मिशन को। इंटरप्लेनेटरी मिशन का ये मतलब होता है कि देखिए अर्थ के आसपास अपने सैटेलाइट्स को तो न जाने कितने देश जो है वो ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुके हैं, लेकिन किसी दूसरे प्लैनेट के आसपास अपने स्पेसक्राफ्ट को स्टैब्लिश करना इट्स रियली अ बिग अचीवमेंट। इससे हमें क्या क्या पता चलेगा, इससे हमें कम्युनिकेशन जो है उसके बारे में काफ़ी कुछ पता चलेगा, हम स्पेस को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। स्पेस आपको पता है कि बहुत ही बड़ा हिस्सा स्पेस का अनएक्सप्लोर्ड है, न जाने कितने गैलेक्सीज, कितने स्टार्स और न जाने कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी स्पेस के बारे में हमें पता ही नहीं है। तो ये जो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स हैं, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम करते जा रहे हैं, देखिए हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है लेकिन स्पेस के साइज के हिसाब से दिस इज स्टिल वेरी स्मॉल। तो ये एक्सप्लोर करना, उसके बाद एक ऑटोनोमस फीचर डेवलप करना जिससे कि हम उन सिचुएशंस को समझ पाए जो कि अनप्रिडिक्टेबल है, उनके बारे में कुछ प्रिडिक्शंस कर पाए, अपने अर्थ पे क्या हो रहा है इसके साथ साथ हमारे आसपास के जो प्लैनेट्स हैं उन पे क्या हो रहा है उसके बारे में समझ पाए, उनके ऐसे क्या एलिमेंट्स हैं या उनके ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। और उससे भी इम्पॉर्टेंट था कि एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट डेवलप करना जो 298 दिन तक मार्स की ऑर्बिटिंग करे, मार्स के ऑर्बिट पे स्टैब्लिश हो और सबसे इम्पॉर्टेंट कि वो जर्नी को सरवाइव करे। आप सभी जानते हैं कि ये इतना हाई बजट इन्वेस्टमेंट होता है और इसमें इतने सारे इफ बट्स और रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि कहीं पे भी आपका स्पेसक्राफ्ट जो है वो एक्सप्लोड कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें पावर का, पेलोड का, थर्मल जो उसके ऑपरेशंस होते हैं उसमें कई तरीके के चैलेंजेस इन्वॉल्व होते हैं। पावर मतलब कि आपको पता ही है कि उसमें कई सारे इक्विपमेंट्स लगेंगे जो कि जिनकी लाइफ सेट होती है। अगर मान लीजिए किसी भी एक इक्विपमेंट का कहीं पे कुछ भी गड़बड़ हो गया और वो उसकी लाइफ खत्म हो गई तो उसके एक की लाइफ खत्म होने से उसके बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी सफ़र कर सकते हैं। दूसरा, इतनी हाई स्पेस पे उस स्पेसक्राफ्ट जो वो जा रहा होता है कि उसमें हीट डेवलप होने की और उस हीट के डेवलपमेंट से किसी भी तरीके की ऑपरेशनल चैलेंजेस के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। ये चैलेंजेस तो थे ही लेकिन उसके साथ ही एक मिशन भी था। मिशन क्या था? मार्स की मोर्फोलॉजी को। मोर्फोलॉजी का मतलब है कि वहाँ के अगर वहाँ पे प्लांट्स हैं, अगर वहाँ पे कोई एनिमल स्पेशीज या किसी भी तरीके का कोई भी लाइफ फॉर्म है उसको स्टडी करना। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी से का मतलब है कि वहाँ पे अगर माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं या क्या वहाँ के फिजिकल फीचर्स हैं उनके बारे में जानना। मिनरोलॉजी, मिनरोलॉजी अपने आप में आप समझ सकते हो कि वहाँ पे अगर मिनरल्स हैं तो उसकी स्टडी करना। देखिए जब तक हम अपने आसपास के ब्रह्मांड के बारे में नहीं जानेंगे हमें नहीं पता रहेगा कि हमारी खुद की एग्जिस्टेंस क्वेश्चन में है कि नहीं, राइट? तो इस तरीके की चीज़ें अपने जो साथ के प्लैनेट्स हैं उनके बारे में जानना। उसके अलावा रिमोट सेंसिंग टेक्निक से ये पता करना कि मार्स का जो एटमॉस्फेयर है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन की मात्रा होती है उसके बारे में हम समझ सकें। रिमोट सेंसिंग मतलब कि आप यहाँ बैठे हैं लेकिन आप दूसरे ग्रह के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा जो वहाँ का अपर एटमॉस्फेयर है उसमें किस तरह के वोलेटाइल एलिमेंट्स हैं, वो वोलेटाइल एलिमेंट्स कितने टेम्परेचर पे किस तरह का रिएक्शन शो करते हैं, या फिर जो हमारा सन है जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर एवरीथिंग इन दिस सोलर सिस्टम ऑफ आर्स, उस अर्थ उस सन के रेडिएशन का मार्स पे क्या असर पड़ता है। इसके अलावा अगर आपको पता हो, आई रियली विश कि आपको ये पता हो कि मार्स का जो मून है फोबोस उसके बारे में स्टडी करना। और तो और जो एस्टेरॉयड ऑर्बिट का ये मतलब है कि कुछ माइनर प्लैनेट्स होते हैं जिनको मतलब जो प्लैनेट्स के साइज़ के तो नहीं होते लेकिन समवॉट वो उन्हीं को रिजेंबल करते हैं और उसकी पूरी की पूरी एक ऑर्बिट है। कभी अगर आप सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन एस्टेरॉयड्स की अपनी ही एक ऑर्बिट है, तो उस ऑर्बिट के बारे में स्टडी करना। तो ये सारे तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे और आपको ये जान के खुशी होगी कि एशिया का ये सबसे पहला मिशन था मार्स के लिए। और तो और हम दुनिया में हम चौथे ऐसे देश बन गए जिसने मार्स का एक मिशन फ्रेम किया, फ्रेम ही नहीं किया उसको इम्प्लीमेंट किया और सक्सेसफुल भी हुआ। वो अभी तक का हिस्ट्री का ये चीपेस्ट मार्स मिशन है। मैं यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स को ये रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ गो एंड स्टडी अबाउट द डिफरेंट मार्स मिशन बाय अदर कंट्रीज़। आपको पता चलेगा कि हम टेक्निकली कितने ज़्यादा रिलायबल, कॉस्ट इफेक्टिव और एडवांस्ड हैं कि हमें इतने कम बजट में भी इतने बड़े बड़े मिशंस को अकम्प्लिश करने की महारत हासिल है। अभी अपने प्रिलिमिनरी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको वो पूरी तरह से सक्सेसफुली वो अचीव कर चुका है। जो मैंने आपको बताया था कि वो वहाँ पे जाए, 298 डेज का वो अपना लाइफ जर्नी जो है वो एस्टैब्लिश करे, उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट कि सर्वाइव करे। और तो और वहाँ से कई सारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव फोटोग्राफ्स और साइंटिफिक डेटा जो है उस स्पेसक्राफ्ट ने ऑलरेडी भेज दिया है।
और तो और जो मिशन सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए एस्टेब्लिश किया गया था वो 3 साल से ऑपरेशनल है। इसके अलावा 2015 में स्पेस पायनियर अवार्ड दिया गया था साइंस और इंजीनियरिंग कैटेगरी में मॉम टीम को, और ये किसने दिया था, यूएस बेस्ड नेशनल स्पेस सोसाइटी गेव दिस अवार्ड टू आर साइंटिस्ट फ्रॉम आर कंट्री। और ये जो मिशन है ना, इसने एक मैसेज दे दिया पूरे वर्ल्ड को कि लुक, नॉट ओनली इन डिफरेंट अदर एरियाज ऑफ अर्थ बट ऑल्सो इन स्पेस एक्सप्लोरेशन इंडिया इज गोइंग टू बी द फ्लैग बियरर इन द कमिंग ईयर्स। तो हमें ये सब चीज़ें जाननी चाहिए। देखिए, पबजी, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अपने देश के बारे में तो आप जानिए। कभी किसी जापानीज यूथ से अगर आप बात करने को मिले आपको, क्योंकि मैं कई लोगों से इंटरेक्ट करती रहती हूँ, आपको पता चलेगा कि वो लोग कितने ज़्यादा फुल फ्लैश्ड हैं नॉलेज से अपने देश के बारे में। आप सोचिए, जापान और चाइना में तो उनके कंप्यूटर्स तक जो है उनकी लैंग्वेज में है। दिस इज द काइंड ऑफ प्राइड एंड अमाउंट ऑफ प्राइड दैट दे टेक इन देयर कल्चर एंड देयर ओरिजिन। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स के लेक्चरेट, एसएसबी, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने देश के बारे में जानना। सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त पे एक स्टेटस डाल देना व्हाट्सएप पे या एक तरीके का जुनून दिखा देना देश के लिए, इट्स नॉट दैट रेलेवेंट। द रेलेवेंस इज दैट हाउ मच डू यू नो अबाउट योर ओन कंट्री। So everyone, whosoever is watching this, please go and read about your nation, especially about the missions that has been accomplished by the great scientists of your country. So till then, take care everyone, and the nation needs you.